नमस्कार, मैं हूं विदुषी और आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। दिल्ली में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब देखना होगा कि 11 फरवरी को चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेता है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि दिल्ली में कितनी वोटिंग हुई और हमारे एग्जिट पोल के अनुसार कौन कितनी सीट ले रहा है। दिल्ली के मतदाताओं ने आज दिल्ली विधानसभा के 672 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला कर लिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में इस बार कुल 55.18% मतदान हुआ है, जबकि 2015 के विधानसभा चुनावों में 67.12% वोटिंग हुई थी। इलेक्शन कमीशन की भरपूर तैयारियों और जागरूकता अभियानों के बाद भी मतदाताओं ने मतदान में उतनी रुचि नहीं दिखाई जितनी की उम्मीद जताई जा रही थी। ये जरूर सोचने वाली बात है। खैर, जितनी भी वोटिंग हुई और जितने आंकड़े हमने जुटाए उसके अनुसार दिल्ली में बतौर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते दिख रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 70 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों में जीत मिलती दिख रही है। भाजपा 10 सीटों में जीतती दिख रही है, जबकि कांग्रेस को केवल एक सीट और अन्य पार्टियों को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। तो ये था दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हमारा गणित, लेकिन असली पर्दा तो 11 फरवरी को ही उठेगा और उसी दिन पता चलेगा कि दिल्ली का ताज किसके सर पर सजता है। लेकिन इस बीच दिल्ली में जो कुछ भी घटेगा उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए चकाचक एक्सप्रेस के साथ।